नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो 360 के अंदर। आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, एक बैटरी ऑपरेटेड स्प्रे मशीन है जो एग्रीकल्चर में यूज़ होती है। तो ये डबल मोटर की हमारी जो मशीन है, ये डबल मोटर है इस तरह की, और इसमें के अंदर जो बैटरी है वो 12 AH की बैटरी है। तो एक बार इसकी ओपनिंग करते हैं। तो ये सबसे ऊपर इसके अंदर दिया हुआ है इसका चार्जर। चार्जर का मैं आपको बता दूं, ये 12 वोल्ट DC आउटपुट देता है और 2 एम्पीयर का करंट देता है, 2 एम्पीयर से चार्जिंग होती है ये। तो ये है इसका चार्जर। उसके बाद इसकी ये पाइप वगैरह बाहर आ रही है, मैं पर सभी पाइपों को निकाल लेता हूँ। ये इसकी कनेक्शन पाइप है, बाकी छोटे पीसीज हैं वो नीचे हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो ये है पंप हमारा, साथ में इसका ये एक वो पीस था, बाकी जो हमारा कार्टन है वो खाली हो गया है। तो कार्टन को एक बार साइड करते हैं और अब आपको मशीन को दिखाते हैं। तो ये मशीन है एग्रीकल्चर इंडिया कंपनी की मशीन है, ये 20 लीटर की है, यहाँ की इसमें क्वांटिटी लिखी हुई है 20 लीटर, और ये इसके स्क्रैप दिए हुए हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। ये यहाँ से स्प्रे का जो आउटपुट होगा वो यहाँ से आएगा। फिलहाल ये बंद करके दे रखा है इन्होंने कैप से, कैप के साथ। तो अभी इसको जब भी कनेक्शन करेंगे पाइप का तो इसको निकालेंगे। ये साथ ही यहाँ इंडिकेटर दे रखा है बैटरी के लिए, जब लो बैटरी होगी तो यहाँ पे लाइट जलेगी और जब बैटरी नॉर्मल चार्जिंग स्टेट में होगी तो यहाँ पे लाइट जलेगी। और ये इस साइड इसका पैनल दिया हुआ है, स्विच दिए हुए हैं दोनों मोटर्स के। ये स्प्रे की पावर दी हुई है कितनी स्पीड में चलाना है, और ये चार्जिंग का जो पोर्ट है वो है 3 पिन का चार्जिंग पोर्ट है। तो ये है मशीन। अभी इसकी एक्सेसरीज देख लेते हैं। तो इसके ऊपर जो दो ढक्कन दिए हुए हैं, इसके जो छोटे वाला ढक्कन, इसके अंदर इसकी एक्सेसरीज रखने का स्पेस है। तो ये इसके अंदर कुछ एक्सेसरीज दी हुई है। तो एक्सेसरीज को मैं एक बार बाहर रख लेता हूँ और एक बार पंप को देखते हैं। ये इसका जहाँ से पानी डालते हैं ये वो जगह है, इसके अंदर फिल्टर दिया हुआ है और एक फिल्टर नीचे बॉटम के अंदर भी है। तो ये इसके फिल्टर हैं। तो फिलहाल एक बार हम आपको पाइप का कनेक्शन करके दिखाता हूँ, सभी पाइप कैसे कनेक्शन करते हैं। चार्जर है ये मैंने आपको दिखाया, 3 पिन का चार्जर है ये भी। तो इसको भी साइड करते हैं। तो ये हमारी कनेक्शन पाइप है, पहले इसको लगा लेते हैं। ये जो कैप थी इसकी पहले वो हमने हटा दी है, अभी इसको बंद लगाते हैं यहाँ पे। पाइप हमारी लग चुकी है और अब पाइप के इस साइड क्या लगेगा वो देखते हैं। एक इन्होंने इस टाइप की नोजल दी हुई है जो इस पर डायरेक्ट लग रही है, तो ये ऐसी इस पर डायरेक्ट लग रही है इस तरह। और जो ये दूसरा दिया हुआ है ये शायद इसके साथ कनेक्ट होगा। ये इस तरह जहाँ लगेगा और इस तरह से हैंडल पकड़ा जाएगा, पीछे ये कनेक्शन पाइप कनेक्ट हो जाएगी यहाँ पे सेम। पीछे हमारी पाइप कनेक्ट हो गया है, ये हमारी यहाँ कनेक्ट। अब इसमें आगे जो है, जो अलग अलग तरह की इसके अंदर नोजल दी हुई है, ये इसकी मैनुअल दी हुई है, इस तरह इसको चार्ज करना है, कैसे यूज करना है, क्या क्या अगर एग्जामिनेशन के लिए दिए हुए हैं, कोई खराबी हो जाए तो कैसे उसको चेक करें। तो ये वो सब दिया हुआ है इसके अंदर, इसको भी साइड रखते हैं। ये एक छोटा सा पीस दिया हुआ है साइड में लगाने के लिए, ताकि इसके अंदर जो हमारी ये नोजल वगैरह है इनको हम अटका सकें इसके अंदर इस तरह से। तो ये उसके लिए है। अब ये नोजल दी हुई है इसके अंदर,
एक बार इसको बंद कर लगा लेते हैं इनको, और ये नोजल लगेंगे फिर इस पाइप के आगे। तो मैं अभी इसके अंदर कई तरह की नोजल दी हुई है, अभी एक एक करके सबको चेक करेंगे कौन सी क्या काम आती है, और भी निकाल के देखता हूँ किस कितने टाइप की रखी है। साथ में इन्होंने कुछ रिंग दे रखी है इसके अंदर लगाने के लिए, तो देखेंगे कौन सी रिंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगी, कहाँ कहाँ से लीकेज होगी। ये तीन तरह की इन्होंने अलग से दी हुई है नोजल, तो कुल मिला के इसके अंदर पांच नोजल हो गए हैं, तीन ये, चौथी ये है और पांचवी ये है। तो अभी मैं एक बार पानी ले आता हूँ, पानी डालेंगे और फिर इसको देखेंगे एक बार चला के कौन सी नोजल का क्या काम। पानी डाल लेते हैं अपने पंप के अंदर, और हमने कैमरे का एंगल पहले से चेंज कर लिया है इसलिए, ताकि हम आपको इसका जो नोजल्स का जो प्रेशर है वो दिखा सकें अलग अलग सभी नोजल्स का। तो हमने पानी डाल लिया है इसके अंदर और इसका लगा लेते हैं एक बार ढक्कन, और अब हम आपने हमने स्विच कर लिए हैं आपकी तरफ ताकि दिखा सके कब हमने एक मोटर चलाई है कब दो मोटर चलाई है। डबल मोटर की है मतलब हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि सिंगल मोटर में कितना प्रेशर है, डबल मोटर के अंदर कितना प्रेशर है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाली नोजल लगा के, तो अभी इसको चालू करेंगे, नोजल को मैं टाइट कर लेता हूँ। तो पाइप को मैंने टाइट कर लिया है, अब मैं मोटर चलाऊंगा, पहले चलाऊंगा एक मोटर उसके बाद दूसरी। तो मैंने एक मोटर चालू कर दी है और ये दो प्रेशर देखिए इसका कितना लंबा जा रहा है, ये प्रेशर जा रहा होगा लगभग लगभग 25 फीट के करीब, 25 फीट तक इसकी लंबाई है इसकी। और मैं अभी नोजल को टाइट करता हूँ धीरे धीरे ताकि इसका फुहारा थोड़ा चौड़ा बने, मुझे थोड़ी बारीक हो। तो ये था इसका फुहारा चौड़ा करने का। अभी मैं इसको यहीं पे डबल प्रेशर पे करता हूँ मतलब दोनों मोटर चलाता हूँ, और अब ये दोनों मोटर चल चुकी हैं और जो है पानी जो बूंदे हैं वो और भी बारीक हो गई है, इतनी बारीक हो गई कि वो हवा के साथ मुड़ने लगे वापस, पहले नहीं मुड़ रही थी। और अभी मैं इसको लंबा करता हूँ वापस, और ये अभी कर दिया हमने इसको लंबा, लंबाई में प्रेशर इसका थोड़ा सा और बढ़ा है, लगभग 30 फीट के करीब हो गया, 5 फीट का जो है डिफरेंस हुआ है, बाकी बूंदे बारीक हैं। डबल प्रेशर की मोटर के साथ बूंदे बारीक है क्योंकि पानी वापस आ रहा है हवा के साथ, बारीक बूंदे वापस आ रही हैं, जो मोटी बूंदे वो वहीं गिर रही है। तो इसके ये लंबे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप पेड़ों पे। तो अभी हम आपको दिखाते हैं दूसरी नोजल, अभी इस नोजल को हटा देता हूँ मैं, बाकी और जो नोजल है हमारे पास उनसे मेरे को ये बेहतर लग रही है देखने में भी, क्योंकि इसके अंदर ब्रास का जो है कुछ कंपोनेंट्स के अंदर ब्रास के यूज़ हो रखे हैं, बाकी मेटल की सारी प्लास्टिक की क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर यूज़ की हुई है इसके अंदर। तो इसको साइड रखते हैं और अब चेक करेंगे हम अपनी अगली नोजल। तो ये अगली नोजल का जो है असेंबली है, तो इसको हमने लगा दिया है। इसके अंदर धीमा और तेज करने के लिए नहीं है, इसके अंदर खाली ऑन और ऑफ के लिए है। इसका स्विच है, इसको हम नीचे दबाएंगे और ये इसके लॉक के लिए है, अगर हम इसको यहाँ करते हैं तो लॉक हो जाएगा और ये हमेशा ऑन रहेगा। तो इसको परमानेंट ऑन रखते हैं फिलहाल अभी, और एक एक करके अपनी नोजल लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लगा रहे हैं इसके ऊपर ये, और अभी इसको चेक करेंगे इसका कैसा प्रेशर और किस तरह की का फुहारा बनाएंगे। तो हमने एक मोटर चालू कर दिया और ये है इसका, अभी दूसरी चालू करूँगा, ये दूसरी चालू कर दी है, प्रेशर थोड़ा और बढ़ा है, ये भी काफी बेहतर रिजल्ट दे रही है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं अगली नोजल का रिजल्ट कैसा है, वो क्या काम करती है। तो अगली नोजल हमने ली है ये, इसका देखते हैं पहले सिंगल पे और फिर डबल मोटर, ये मोटर चलाई है तो ये भी कुछ काफी बेहतर है, बिल्कुल बारीक बूंदे बना लिए, बिल्कुल धुंध की तरह। ये सिंगल प्रेशर और मोटर, सिंगल मोटर का प्रेशर है और ये भी इसका डबल का है, डबल में इसमें और भी बारीक बूंदे बना लिए हैं, ये देखिए हवा के साथ कैसे बह रही है। तो ये भी काफी बेहतर लगी मेरे को, लंबाई के लिए जो मैंने आपको पहले जो दिखाई थी जो
मैं बढ़िया बता रहा था, जिसमें ब्रास का मेटल यूज था वो थी, और उसके दूसरे नंबर पर मेरे को ये अच्छी लगी है। तो अभी और नेक्स्ट चेक करते हैं। तो अगली हम ये ले रहे हैं, ये थोड़ी सी बैंड है आगे से नोजल की, लगभग 30 डिग्री का एंगल बना रखा है इसने बैंड होके। तो इसको देखते हैं ये किस चीज के लिए है। ये दोस्तों काफी चौड़ा फुवारा बना रही है, बीच में इसमें फुवारा नहीं आ रहा, इसमें चारों तरफ सर्कल की तरह जिस तरह एक कोन होता है, कोन की शेप में ये फुवारा देख। ये सिंगल मोटर प्रेशर है, अभी डबल बनाते हैं इसका। डबल का प्रेशर ये सह नहीं कर पा रही, मोटर एक बार बंद हो रही है, एक बार चालू हो रही है, ये सिंगल पे काम करे हो रही है। तो ये भी मेरे को इतना खास नहीं लगा, अभी मैं और अगली चेंज करता हूँ नेक्स्ट। ये भी उसी की तरह बैंड है, लेकिन ये लगभग 45 डिग्री पे है, ये उससे ज़्यादा बैंड है। इसका देख लेते हैं एक बार, ये सिंगल मोटर पे ही जोर लग रहा है इसका, तो डबल मोटर पे भी ऐसे ही है। तो इसको मैं जो रेगुलेटर इसके अंदर दिया हुआ स्पीड का उसे चला के देखता हूँ धीरे प्रेशर। तो ये यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक सही काम कर रही है मोटर, लगातार चल रही है। उससे आगे मोटर मतलब कट मार रही है बीच बीच में, प्रेशर ज़्यादा होने के कारण। तो इसका भी ये प्रेशर है, ये मेरे को कुछ खास नहीं लगा। मेरे को इसके अंदर नोजल का तो वही खास लगी, मैं इसको कर रहा हूँ। तो नोजल मेरे को वही खास लगी जो मैंने आपको बताई थी। अभी दोबारा दिखा देता हूँ दोनों को, पहले वाली ये नोजल और दूसरी वाली जो इसकी ये थी। ये इन दोनों का रिजल्ट मेरे को लगा बेस्ट इसके अंदर। वो छोटे मोटे काम के लिए होंगी भाई, क्या काम होता है मेरे को नहीं पता भाई। मेरे को पसंद आई है ये दोनों नोजल, इन दोनों का बढ़िया प्रेशर है। कहीं छोटे में और आपको हल्का फुवारा मारना तो आप इसका यूज़ कर लीजिए, लंबा और बड़े खेत के अंदर मारना तो आप इसका यूज़ कीजिएगा। मेरे को तो ये दोनों काम की लगी हैं, बाकी दोनों का मेरे को इतने जो तीन बची उनका मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा है। किसी के लिए अच्छा हो भी, लेकिन वो मेरे काम की नहीं है। तो मेरे को तो इनका रिजल्ट लगा अच्छा, एक बार इसका मैं दोबारा देखना चाहूँगा। बाकी आप घास के अंदर देख सकते हैं किस तरह पानी की ओस की तरह बूंदे बन गई है। और ये देखिए कितनी बारीक बूंद है, ये डबल प्रेशर की है। जिस तरह धुंध बन धुंध जिस तरह धुंध हो जाती है ना, जिस तरह हवा के साथ धुंध बहती है उस तरह बन जाता है ये मेरे को काफी बेहतर लगा। तो अभी करते हैं इसको बंद। तो ये था दोस्तों इसका प्रेशर और वो, और बाकी जो मैं इसके अंदर बता रहा था आपको बैटरी के लिए। तो जैसे ही इसको चालू करते हैं तो इसके अंदर दिख जाता है कि आपकी बैटरी की वोल्टेज कितनी है, लो है या हाई है, नॉर्मल मतलब लो या नॉर्मल। तो यहाँ जब आपकी बैटरी लो हो जाएगी तो सिर्फ जो रेड कलर की जो लाइट LED है वो ग्लो करेगी, और जैसे जब चार्जिंग है तो ग्रीन कलर की साथ में ग्लो करेगी। तो ये था दोस्तों इसका चार्जिंग का, बाकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर है इसकी। तो ये था दोस्तों इसका, बाकी आपको अगर कुछ और इसके बारे में जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई किसी चीज़ की अगर जानकारी चाहते हैं तो आप हमें हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है।